खेत खदवावांगे। ये थोड़ा हो बीजेपी सरकार है तो सरकार खातिर किसान मरण खातिर थोड़ी है जी। मैंने बड़ा रखे की सरकार है, जिम्मेदार है, आम आदमी की है, सुविधा खातर है, जी लेगा वो पार्टी बाजी करवा रहा जी। बीजा कृष्ण बीजा पार्टी बाजी करवा रहा है। मामले की पड़ताल करेंगे, आखिर कारण के है, मामला के है। फिलहाल ये जो तुम देखने लग रहे हो, ये जो किसान के जो खेत हैं, जवान और किसान जो कि देश की तरक्की में अहम योगदान हो रहे है, लेकिन जवान और किसान आम मुसामी खड़े हो गए हैं। तुम सामी देखोगे तो जवान है और भाई थोड़ी सी दूरी पर सामी किसान है। आखिर मामला के है, पूरी पड़ताल करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है। आखिर किसान के खेतों को छावनी में तब्दील क्यों किया गया है, कारण क्या है, उसकी पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। मामला क्या है जी, के चक्कर है, कारण मुआवजा मिल रहा है जी? एक तो पैसा नहीं गवर्नमेंट का, एक तो पैसा नहीं मिला जी हमने, और जबरदस्ती खुदवाई जा रही है जी। कोई साइन नहीं, कोई पैसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लग रहे, ड्रेन खुदवाई जा रही है जी, फसलें लग रही है जी, 90% फसल लग ली जी। अच्छा, 3 महीना टाइम मांगा जी, 3 महीना टाइम भी दे रहे, ड्रेन खोदी जा रही है। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो, ये जो रास्ता है आपको ड्रेन खोदी जाने लग रही है, इसका जी ना तो कोई मुआवजा मिला आज तक। यो जी हमने डिजीज कानूनी करवाई, हमारा पैदा होने पर लगे थे ड्रेन होगी जी, लेकिन हम इसमें हाई कोर्ट में केस जीत के थे, उसके बाद सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुकदमे के साथ यो मुकदमा जोड़ के हाँ एक उसमें वो कर दिया। तो हमारे गांव में ना तो जी ड्रेन की जरूरत है, और जी हम गए थे इसके पास एक्शन साहब के पास, एक्शन साहब को सरपंच की लेटर पैड पे हमें लिख के दिए थे जी, 3 महीने बाद जब फसल कट जाएगी उसके बाद हम आप कार्रवाई करने देवांगे। एक्शन साहब ने आश्वासन दिया था ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद फिर जी आज फिर आपके सामने है। इसमें टोटल कितने किसानों की जो जमीन है? 78 आदमी थे जी, फसल लगी हुई है इसमें 78 आदमी थे, जिसमें 4-5 आदमी ने मुआवजा लिया था। और उसका क्या था जी, एक किलो का 400-400 रुपए मुआवजा आया होगा। ये जिला जींद का मनोरपुर गांव की जमीन है, मनोरपुर गांव की जमीन है जी, ना तो किसी किसान ने मुआवजा मिल रहा है इसका जी। और 400-400 रुपए का ट्रेजरी में हमने आज टेल गई थी, कोई पैसा नहीं है कहीं भी किसी के पास। यानी कि एक तरफ तो किसान जो है वो चप्पल जूते तोड़वाओ खेत में, दूसरी तरफ फिर प्रशासनिक अधिकारी उनके दौरे में चक्कर काट जी। विधायक इसमें पर्सनली इन्वॉल्व है जी, मैं गए थे तो दो आदमी है जी गांव में जो विधायक की चाय पानी करा कर रहे हैं, उनके दबाव में आकर जी विधायक पर्सनली इन्वॉल्व है जी। मैं क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम विकास है जी। विकास भाई तो तेरे जिक्र मोदी भी करे है, बोले भाईयों बहनों हम विकास करेंगे, लेकिन विकास परेशान है। तो फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनका हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपके दौरे भी आऊं मैं एक बार पूछा पूरा मामला, क्योंकि जो अधिकारी है उनका कहना है भाई सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के और जीप जो हाड़को ड्रेन का डिजाइन लग रही है। तो फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट मार्गेला मौजूद हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम जी? सुरेश कुमार है जी, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट जी। हाँ सुरेश जी, मतलब जो ग्रामीण है या जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है भी ना तो हमने मुआवजा मिला, हाईकोर्ट तो ये केस जीत गए थे, कह रहा था भाई बुलाई उसने, हाईकोर्ट तो जीत गए थे, उसके बावजूद सरकार ने जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाके और किसान को दोबारा परेशान करने का कोई काम कराया है। इसमें जी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जी। ये जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम हो गई है जी। अच्छा जी। इस पे जी लास्ट 15 दिन से कार्रवाई चल रही है जी, जी। उस टाइम तक कोई जीरी नहीं लगी थी जी। लेकिन एक महीने पहले जी निशानदेही हो चुकी थी, सभी जमींदारों को मालूम है कि ये ड्रेन खुदाई होनी है जी। लेकिन किसानों को है कि भाई सिर्फ 6 किसानों को मुआवजा मिला है, आपने या जी ड्रेन जब पहले पास हुई थी या पहले ड्रेन और एक को थी, ये राजनीतिक दबाव में इस ड्रेन को दूसरी जगह कर दिया गया, नक्शा बदल दिया इसका, नक्शा बदल दिया इसका। उसमें 6 आदमी भी हुए हैं जी, जो पहले ड्रेन थी। अच्छा। जोड़ो फिलहाल यह ड्रेन इन पास करवाई है ना जी, इसमें एक आदमी ने भी मुआवजा नहीं ले रखा जी। अरे एसडीओ साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, एसवाईएल का भी है, आज तक एसवाईएल का पानी हरियाणा में क्यों नहीं आया? बड़ी बात, लेकिन बड़ी बात। लेकिन ये हाड़ है गांव में, ये दिखा जी 4-5 मतलब गरीब किसान आदमी, इन पर प्रशासन जी दबाव दे रहे हैं, इनके लठ मारो और बस में घेरो। ये एसडीओ साहब जब ये तो ठीक हो, काम हो गया भाई, बोले अमीर की बहू सबकी दादी और गरीब की बहू सबकी भाभी, वो काम हो गया। एसडीओ साहब कह रहे जिनको मिल चुका हो, एसडीओ साहब ने कहा पता नहीं कि किसने मुआवजा ले लिया, कगजों में लिखा हुआ जी मुआवजा मिला कि नहीं। एक जी जो ड्रेन खोद रहे हैं, एक तो जी पहली बात हमारे गांव में इस ड्रेन की कोई जरूरत नहीं है जी, यो एरिया जी जिसका ये पानी निकालने की कह रहे हैं, इसमें जो हमारी भी जमीन है, ये जितने किसान खड़े जी सबकी जमीन है जी। जो 2 आदमी इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आज टेल गांव जिस इसके विधायक के आदमी है उनके बिल्कुल लगती जमीन है जी हमारी, मारे तो कहते फसल खराब नहीं होती जी। और इस एरिया ने जी सारा पहले कोई फ्लड की वजह से या
पानी जल भराव की वजह से मन्ना टेल लगाई है जी। 95 में भी फसल नहीं मरी आ रहे। अच्छा देखो बहुत बड़ी बात है भाई, 1995 में फ्लड आई थी जिसमें कि पूरा हरियाणा में तबाही हुई थी। माना जी डीआरओ रेवेन्यू का आईटेल गई है जी कि जी मारा कदे को फल्ड एरिया है, अगर फल्ड एरिया तो हमने कदे मुआवजा लिया इस जमीन का, कदे जी हमने 95 ही फल्ड में मुआवजा लिया ना, हमने जरूरत पड़ी जी। मारा गांव है जी यो, इस जो जमीन है जिसमें पानी की निकासी के लिए ड्रेन लगा रहे हैं यो है जी, अगर इस यहाँ पर ड्रेन होगी जी सारी पानी की निकासी कर नदी में चली जाओगी, मारा पूरा गाँव की जी फसल इस एरिया पर निर्भर है जी। इस एरिया में इतनी पाइपलाइन है जो 4-4 किलोमीटर तक यहाँ से पानी जावे है, यानी कि ड्रेन निकलेगी तो किसान नुकसान होगा। हाँ नुकसान है जी, सारा गांव बंजर हो जाएगा, भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी। तो इस बात की जानकारी तो हमने कितने दिन पहले जी, 2-3 महीने सरकार का इंतकाल चढ़ा जी, ये तो जबरदस्ती हमने टाइम भी तो मिलना चाहिए, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट में जावा चाहे सरकार के पास जावा, लेकिन ये रोज आवा जी प्रशासन यहाँ पे। कल एक्शन साहब ने आश्वासन दे दिया, आज फिर आगे अगर हम आज कितने जावा मान लो सरकार के जावा जी कितने भी जावा जाने तो कौन दिन दे। एक्शन साहब ने कहा जी कि आप इसके बाद कोऑपरेट करोगे फसल के बाद, माजी पूरा कोऑपरेट कराएंगे। या तो अगर उन भाइयों ने जरूरत है, 2-4 भाइयों ने उन्हें जरूरत है, पाइप लाइन दबवा दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। 33 फुट चौड़ी जी, 2-2 किले के जमींदार हैं, 33 फुट में जमीन ने विकास भाई। सबसे बड़ा सवाल ये हुआ है कि भैया जो ड्रेन है दो तरीके से इस्तेमाल करी जाकर, एक तो पानी की उसकी फसल की सिंचाई के लिए, दूसरा जो बरसाती पानी है उस तय फसल को बचाने के लिए। तो सुरेश जी मतलब किस तरह की आपके पास जानकारी है, जो ड्रेन का जो मैप है वो किस ढंग का है, बरसाती पानी से गांव को बचाने के लिए है या फिर इसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का तरह? ये जी मेन है बरसाती पानी से गांव को बचाने के लिए, जो आधा गांव है जी जिनकी जमीनें डूबती है 95 के बाद ऐसी कोई दिखाई तो हमें तो नहीं दी, जब से हम तो देखो हम लोग तो 3 साल बाद बदलते रहते हैं जी, ऐसी हमारी रिपोर्ट में नहीं है, परंतु उन जमींदारों की है जी, गवर्नमेंट की ये जमीन है जी, गवर्नमेंट कब्जा कर रही है, गवर्नमेंट के ड्रेन के नाम से अप्रूव है जी, ड्रेन की खुदाई के गवर्नमेंट के ऑर्डर है जी। तो भाई एक तरफ फिलहाल जो है प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन पूरी तरह से अमला जमला लेकर, कैमरामैन दिखूंगा इधर दिखा दे भाई, यानी कि भारी पुलिस बल के साथ जो है प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है और किसान के जो खेत है उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है अगर भाई मारा पेटा को निभर रहा है, बड़ी बात तो है भाई 95 में जी फलड़ आई जीपी की अगर अच्छा जी 2,000 रुपये लगा के सुंडिये ले रखे हैं, सब ट्यूबला में पानी नीचे उतार दें, फिर उतने बरत लिया सिर्फ 10 किले है जी, सिर्फ 10 किले है, सिर्फ 12 का सिर्फ 10 किले है निश्चल जी। अच्छा ड्रेन ये कितने लेके कितने बने जी? ये 3 गांवों की ड्रेन है जी। कौन से गांवों की जो है? बहुत बड़ा है जी, मनोहरपुर है जी, आपका शुभ नाम जी? प्रदीप भारद्वाज जूनियर इंजीनियर। अच्छा जी आप इस पूरा ड्रेन का जो खुदेगी के आदेश है जिसके सरकारी जमीन के कब्जा लेने के आदेश है। तो प्रदीप जी मतलब आपने नहीं लगता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसानों के ऊपर तानाशाही करी जा रही है? नहीं सर पता है हम ना तो कोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे को आदेश देते हैं अफसर जी, अफसर के आदेश पर हमने कब्जा लेना पड़ेगा, सरकारी जमीन है जी, सरकारी जमीन पर कब्जा लेना। हाँ ये है जी फसल का, देख सकते हो फसल का वाजिद है, मानते हैं इनका, लेकिन हमारे को आदेश है सर इसका कब्जा लेना। तो या जो इस दौरान जो फसल इनकी जो खराब होगी उसका कोई सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन नहीं सर, ये तो पता है क्या सर, ये मेले भी हैं सारे डी साहब से सभी जगह गए हैं, इनको आश्वासन दिया हमें, हमें नहीं आया है, हमें आश्वासन नहीं मिला, इनको मिला पता नहीं उसका। तो ना तो मैं किसी राजनीति का बता रहा इसमें कि राजनीति नोल है फलाना है, हमारी जमीन है, हमने ये खुट्टे गड़े हुए आप देखो ये वाले, ये सर उससे डिजिटल से ले रखे हैं, ये जो सरकारी नक्शा है पटवारी जिलेदार हमारे मुकप है वो बता देंगे, टेल वहाँ हेड वहाँ है, वहाँ से पानी चलता है, ब्रांच में डालते हैं सर से, ब्रांच में जाओगे ब्रांच में पड़ेगा पानी, इनकी सुविधा के लिए सर, ये ड्रेन सुविधा के लिए होती है ये सुविधा दी जान सर, ऐसे है हम मुद्दे बात करेंगे, एसवाईएल के अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो भाई फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों की बात करा या फिर इंजीनियर साहब की बात करा या फिर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की बात करा, जो कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर है और इस जमीन के ऊपर दावा कर रहे हैं कि भाई यह जो जमीन है वो सरकारी बन गई है और इसका जो अंतकाल है वो सरकार का नाम हो गया है, और ड्रेन की खुदाई के लिए जो संसाधन है अगर मैं बात करूं तो उसकी व्यवस्था ही न कर रखी है, गाँव की जो महिलाएं हैं वो भी मौके पर मौजूद है। तो जो जींद के जो विधायक हैं उनके मुर्दाबाद के नारे जो है वो लाड़ लग रहे हैं गांव के जो किसान है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुनो जी, मुर्दाबाद की बजाय जो अपील आप करना चाहो विधायक तय
की अपील करना चाहो? भाई हम तो यही करना चाहो, जमींदार थाम भी देखो हो, हजार मानस खड़े हैं अरे भाई, नुकसान किसका है? यू जमींदारे का है ना, तो कोठन नहीं मिल रही, ना को दवन नहीं मिल रही, ना कदे नू भी निकला भाई, ये फसल नहीं था हमने काटनी थी, पहले कर लेंदे। इसमें किसा पानी चल रहा है? इसमें तो बरसात का पानी चल रहा है, बरसात के पानी कौन खराब करेगा? कौन सा गंदा नाला नहीं यू भाई, गाँव का नुकसान नहीं इसमें किसी कभी को? ये बात गाँव में पार्टी बाजी हो रही, क्यों गाँव का नाश करो हो, बसे बसाए ने क्यों जाड़ो हो? गाँव की जो महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है, भाई कोई फसल अब तक खराब नहीं हुई, उसके बावजूद भी पूरा अमला जमला लेकर प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मनोरपुर गांव में ड्रेन की खुदाई के लिए पहुंच लिए हैं। शाम में तुम देखोगे तो ड्रेन की खुदाई खातर जो लीलैंड है उसकी व्यवस्था कर दी गई है, और जवान और किसान आम मौसमी खड़े हो गए हैं, ये तुम देख सको हो, जो ड्रेन की जो खुदाई है उसके लिए फिलहाल जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वह मौके पर लेकर पहुंच रहे हैं, और ग्रामीण जो है वह साफ तौर पर कह रहे हैं भाई हम किसी भी हालत में इसकी ड्रेन की जो खुदाई है वो नहीं होने देवांगे। जबकि एक तरफ जो पुलिस के जवान हैं या फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका हम पालन करांगे, और उसके आधार पर जो ड्रेन की जो खुदाई है उसको हम प्रॉपर तरीके से करांगे। इसकी जो एड और टेल है वो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने बताई अभी कितने लेकर कित तक की या जो ड्रेन है जिसमें कि कई किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाएंगी, और आपका तो नहीं कहना जी अब तक कोई दिक्कत आई है को नहीं, ड्रेन की कोई जरूरत कौन थी? हाँ जी मैं जी कोई ड्रेन की जरूरत नहीं, 68 साल का हो गया जी, मैं आज तक पानी चले देखा जी यहाँ, उसके बाद उनके बताओ नू धक्का हो रहा सरकार सरकार का कुछ पार्टीबाजी हो रही है, पार्टीबाजी, वोट नहीं देवे तो खेत खदवावांगे, ये थोड़ा हो बीजेपी सरकार है तो सरकार खातिर किसानों ने मारने खातिर थोड़ी है जी, मैंने बना रखी की सरकार है, जिम्मेदार है आम आदमी की है, खतर है कौन जी लेगा, वो पार्टीबाजी करवा रहा जी, मीडा कृष्ण मीडा पार्टीबाजी करवा, जरूरत नहीं है, 42 साल हो गए गाँव अनाज किसी का दाना नहीं मरिया है, पानी पीने का भी नहीं रहेगा, पीने का पानी भी नहीं रहेगा, खेता पानी पी पी। गांव की जो महिलाएं हैं गांव के जो किसान हैं साफ तौर पर कहना है कि भी ड्रेन की कोई जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती ड्रेन की खुदाई करी जाने लग रही है, और गांव के जो किसान है वो इतना तक भी कहने लग रहे हैं कि भाई अगर अगर मान ले सरकार इतनी मजबूत है तो SYL का पानी क्या तो नहीं लेंदे, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो लेकर कहने लग रही। राम राम भाई, और ठीक है भाई, तो ये आपकी बात सही लगी भाई, SYL क्यों नहीं लेंदे फिर जैसे एक बात धर्म भाई सुन ले मेरी बात, करमो भाई इसी हमने ट्रेन फल्ड करिया होता नहीं बाढ़ करिया होता, हम ये 33 कह नहीं 66 की खदवांदे, मर्द पानी लिख दे मारी फसल में, जरे किसान अपनी फसल मरवा कर राजी भाई, ना ना बिल्कुल, मान ली 5-7 किले 10 किले थोड़े गहरे हो ज्यादा बरसात हो नहीं सारी जगह पानी उन्हें मा हुआ है भाई, और गांव का ना किसी दूसरा गांव का पानी आंदा बिल्कुल, तो वो भी 5-7 दिन रहा है, यहाँ से 100 लाइन दूसरे एरिया में जा रही है सारी, सेक्शन में भी जरूर लिख दें, और जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासनिक उन तभी हमारी अपील है कभी इस मामले में मतलब पूरा निचोड़ काट दिया जावे, क्या गांव वाले के जो आरोप हैं वो कितने जायज हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनका साफ तौर पर कहना है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका पालन करना वो हमारा फर्ज है, और इसीलिए जो है हम पूरे अमले जमले के साथ जो है मनोरपुर गाँव में पहुँच रहे हैं, जबकि जो किसान है वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई हमारी जो खड़ी फसल है वो बर्बाद होगी, आने वाले टाइम में भी इस ड्रेन का कोई फायदा जो है वो गांव के किसान मतलब नुकसान बताऊं बल्कि फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हमारा गांव करते भाई, नुकसान बहुत बड़ा, अगर इस एरिया में हमारा पानी ना रानी पीने का पानी भी नहीं रहेगा, हमारा गांव मतलब पीने का पानी भी नहीं रहेगा, 130 फुट का चौवा है, अमृत चाल हमने खुद अपने पैसे दे जमींदार ने जिसके खेत में ड्रेन अन्नू बोला भाई हम 3 टेबल लगा दें बड़े 1-1 फुट 1.5 फुट सारा पानी रिचार्ज होगा हमारी पानी काम भी होगा, जमीन का जो जल सत्र है देखो जहाँ तक मैं अब तक समझ पाया हूँ भाई गांव के जो किसान है नी वह जल सत्र का जो महत्व वो समझ रहे हैं भाई, किस तरह से जमीन के अंदर पानी जाना चाहिए किस तरह के से फिर वो फसल का काम आवे, तो हमने क्या लग गया है कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दो भाई ताकि इस मामले का दूध और पानी का पानी हो जाए और किसानों को न्याय मिल सके, कर दो शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई इस तरह की तस्वीरें देखकर क्यों कुर कमा जाए जवान जाए किसान जाए हिंदुस्तान, कर दो शेयर भाई जवान।